अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किए गए लेक्चरर एजुकेशन के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के हवाले से, और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे वो क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन जो कि आज यानी 18 जून 2022 को PPSC की तरफ से लेक्चरर एजुकेशन के पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कितने परसेंट जो है वो सही हो पाया है, और आपको आपका मेरिट कैलकुलेट करने और नंबर कैलकुलेट करने में भी आसानी होगी, और जिन क्वेश्चंस के हवाले से आपको कन्फ्यूजन है उनके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज के पेपर में क्वेश्चन था, किस किताब में सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की पुरानी इमारतों का जिक्र किया था? तो इसका राइट आंसर था असारुस्सनादीद। क्वेश्चन था, खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका मतलब होता है कमीने को इख्तियार ना देना या ना मिले। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्राम, तो इसका राइट आंसर आपने टिक करना था UV रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। द वर्कर्स कॉल्ड डैश द स्ट्राइक, तो वर्कर्स कॉल्ड ऑफ आपने जो प्रपोजिशन है इसको टिक करना था। व्हेन डिड अलामा इकबाल डिलीवर अलाहाबाद एड्रेस, 1930 में अलामा इकबाल ने अलाहाबाद एड्रेस जो है वो किया था। व्हेन लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, तो इसका राइट आंसर था 1916। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, पाकिस्तान में कायम किए गए मिलिट्री कोर्ट्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स के लिए उनको कायम किया गया था। वेयर इज़ गोल्डन गेट ब्रिज सिचुएटेड, तो व्यूअर सान फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज वाक़िया है। फाइंड 4.5% ऑफ 60,000, तो इसका राइट आंसर था 2700। मजीद क्वेश्चन था, WW स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर था वर्ल्ड वाइड वेब। RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। टीचर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ऑफ पाकिस्तान इज़ इन, तो वहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन थे उनमें से आपने नन ऑफ दीज टिक करना था, क्योंकि मुल्तान वहाँ पर नहीं था आंसर, तो लेकिन इसका एक्चुअली राइट आंसर मुल्तान था। ईमेल इज़ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल जो है वो रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, इसको हम राउंड करके 63% कह लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इस वक्त 62.8% है। कॉल्ड ऑफ इज़ अ फ्रेजल वर्क, इंग्लिश राइटर गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1907, तो रुडयार्ड किपलिंग जो है उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ 0 to 15 इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड, 0 to 15 के ब्रैकेट के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो पाकिस्तान में है उसको EPI कहा जाता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। कीबोर्ड इज़ यूज फॉर, कीबोर्ड बेसिकली इनपुट डिवाइस है। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक़द हुई थी। विच थेरी डोनोट्स लेज़ी पीपल, थेरी एक्स जो है ये लेज़ी पीपल को जाहिर करती है। URL इज़ रिलेटेड टू, वेब एड्रेस से रिलेटेड है जी, और इसका एब्रिवेशन होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सुमेटिव असेसमेंट इज़ यूज फॉर फाइनल जजमेंट और फॉर ग्रेड्स के लिए ये असेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है। रिडक्टिव मेथड जो होता है ये जनरल टू स्पेसिफिक के लिए होता है। टेस्ट फॉर कंपेरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स, नॉर्म रेफरेंस जो है एक ऐसा टेस्ट है जिसको कंपेरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग एंड कोऑपरेट द टीचर इज़ कॉल्ड सुपरविजन। टू मेक द टीचर अकाउंटेबल द प्रोसेस यूज फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का प्रोसेस जो है ये टीचर को अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अप्लाइंग, डिवाइड द होल इन पार्ट्स इज कॉल्ड एनालिसिस। ऑर्गेनाइज द पार्ट्स इन टू होल, तो इसको सिंथेसिस कहा जाता है। वेयर फ्राम रिसर्च स्टार्ट, रिसर्च का आगाज जो है ये हाइपोथीसिस से होता है। विच इज़ यूज फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए की जो कमांड है वो कंप्यूटर में सेलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होती है। करिकुलम इज़ सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का फादर इब्राहिम मैस्लो को कहा जाता है। माइंड ऑफ फिलोसफी, आइडियलिस्टिक माइंड जो है इसको माइंड ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन इज़ सेम डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल।
न्यूक्लियर स्टेट्स 2017 के अकॉर्डिंग दुनिया में 8 न्यूक्लियर स्टेट्स थी। मोस्ट यूज डाटा कलेक्शन टेक्निक इन एजुकेशनल रिसर्च, तो ये क्वेश्चनेयर एक ऐसी टेक्निक है जो कि एजुकेशनल रिसर्च में मोस्टली इस्तेमाल होती है। फोर्थ गोल ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट इज़ इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। द इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स मैनर सॉफ्टवेयर यूज फॉर एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। इनवीवो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट इज लीडरशिप। द बेसिक पर्पज ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद लर्निंग। स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ वर्क इज पोर्टफोलियो। और क्वेश्चन था, आई वेंट डैश टू होम, तो इसका राइट आंसर आपने टिक करना था आई वेंट डायरेक्टली टू होम। तो व्यूअर्स, ये थे डिफरेंट क्वेश्चन जो कि हम डिफरेंट सोर्सेज से आपके लिए कलेक्ट कर पाए हैं। अगर आपके पास मजीद क्वेश्चन हों तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो तो उसका जिक्र भी आप कमेंट सेक्शन में करें ताकि हम उसको पिन कर सकें। और ना सिर्फ उससे उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जो अभी पेपर में अपीयर हुए हैं, बल्कि वो लोग जो कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर्स में अप्लाई करेंगे और उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा और वो आज के इस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से रहनमाई हासिल करते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकेंगे। हम इस तरह के डिफरेंट अदर वीडियोज़ भी अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।